और उसमें उसको डिस्कस करने के लिए 93 नंबर शीट आपको मिली हुई है, 93 नंबर शीट, नॉट फॉर एनसीईआरटी लिखा जा सकता है। ऑब्वियसली जो मैंने लास्ट टाइम शीट दी थी नॉट फॉर एनसीईआरटी थी, बोली दिया था मैंने, ठीक। शीट नंबर 93 में एक कॉन्सेप्ट गिवन है, उसको बड़े ध्यान से देखना है आपने, रादर एक नहीं दो कॉन्सेप्ट्स हैं। और ऐसा नहीं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा काम चलेगा नहीं, मतलब अगर आप ये शीट नहीं भी करोगे मेरे हिसाब से तो ज़्यादा कोई इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे तो नुकसान नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपने ऑलरेडी की हुई है जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन किसी और तरीके से की है। लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाए आप गारंटेड आंसर दे नहीं पाओगे। देखो कैसे, क्वेश्चन ये है कि वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, वो कह रहा है एक बॉडी है, ये बॉडी ना घूम रही है, शेप शेप से कोई लेना देना नहीं है, बॉडी घूम रही है और साथ में सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में भी है, इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, रोलिंग की तरह जैसे हम करते थे, सेम रोलिंग तो नहीं बोल रहा, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है यहां पे। इसमें कोई भी एक पार्टिकल मैंने चूज कर लिया पी, अब पी पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है और साथ में आगे भी जा रहा है, वो आगे कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, वी ऑफ सी एम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जिस स्पीड से ट्रांसलेट करता है सभी पार्टिकल को आगे जाना ही पड़ता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट भी कर रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो पी की होगी वो दो वेलोसिटीज का सम होगा, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, लिख सकते हो इसके नीचे ट्रांसलेशन, इसके नीचे रोटेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन मोशन की वेलोसिटी कौन कंट्रीब्यूट करेगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और रोटेशन के लिए पी पॉइंट की वेलोसिटी हम निकालेंगे रोटेशन की, और एक्सिस क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास मानते हैं तो पी पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, आर टाइम्स ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो याद है कि आर ओमेगा का कंपोनेंट भी लिया जाता है और वी सेंटर ऑफ मास का भी लिया जाता है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। कई लोग बोल रहे थे सर आर ओमेगा लिखो, नहीं आर ओमेगा नहीं, वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता, वेक्टर फॉर्म में ओमेगा क्रॉस आर होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। वो कहता है फिर आर ओमेगा क्यों बोलते हैं, बोलने में अच्छा लगता है आर ओमेगा, इसलिए बोलते हैं, ओमेगा आर नहीं सेट बैठता तो आर ओमेगा बोलते हैं, वैसे ओमेगा आर होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो कोई लॉजिक नहीं आर ओमेगा बोलने का, ओमेगा क्रॉस आर होता है, थ्योरी में अजीब सा लगता है करना, मैं आपको ना प्रैक्टिकल लगा के दिखाता हूँ फिर आपको समझ में आएगा मैंने क्या बोला। एक क्वेश्चन हमने रोलिंग में किया था अगर आपको याद हो, और क्वेश्चन ये था कि अगर कोई भी बॉडी जैसे डिस्क है, कोई भी बॉडी है, उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर वी है, प्योर रोलिंग है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी बोलो क्या होती है, टू वी, बॉटम की वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, यहां की वेलोसिटी क्या होती है, रूट टू वी, यहां की वेलोसिटी क्या होती है, रूट टू वी। रिवीजन की हुई है कुछ लोगों ने, ये फायदा है, और जिनके वहां पे बोझ पड़ रहा है थोड़ा सा, यानी कि अभी शीट्स रिवाइज नहीं की हुई, इसमें सपोज करो मुझे ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, जीरो है मुझे पता है जीरो है, मैं तो बोला ही आपको कि अगर शीट नहीं भी देखी होती तब भी आंसर तो पता ही है जीरो है, लेकिन चलो अगर वेक्टर फॉर्म में बोला जाए तो ये बताओ कि वेक्टर फॉर्म में वी ए वेक्टर विल बी इक्वल टू, जो वी ए का वेक्टर है दैट विल इक्वल टू
क्या लिखा मैंने, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना। पहले हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे, प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, और एक्सिस क्या मानना है, सेंटर ऑफ मास। वैल्यूज पुट करूं, ये देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड बोलो कितना है, वी, और कौन से कैप के पीछे आएगा, आई कैप, वी आई कैप, कोई डाउट इसमें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, प्लस ए पार्टिकल, ए पार्टिकल अब रोटेशन का इफेक्ट आ रहा है, एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास है, दो मिनट भूल जाओ ये मूव नहीं कर रहा, अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर ये रोटेट करता है तो ये किस तरफ जा रहा है, रोटेट करता हुआ ऐसे, मान लो बॉडी ऐसे घूम रही है तो इसकी इस पॉइंट की मोशन कहां पर है, लेफ्ट है, और कैसे है, आर ओमेगा, रोटेशन का इफेक्ट कितना है, आर ओमेगा, तो यहां पर क्या आएगा, आर ओमेगा, लेकिन कौन सा कैप, माइनस आई कैप, पीछे की तरफ जा रहा था रोटेशन का इफेक्ट, तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है, रोटेशन का इफेक्ट पीछे जा रहा है। ऐसे ही करते थे, याद करो कि ये वी वेक्टर होता है और ये आर ओमेगा, है ना, और वी ए वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आई कैप कॉमन आ गया, वी माइनस आर ओमेगा, प्योर रोलिंग में वी किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा, ये कैंसल हो गया, आंसर क्या आ गया, जीरो। देखो तो बात तो वही है जो मैं आती थी, लेकिन वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर फॉर्म में लैंग्वेज कैसे यूज करनी है समझ में आ रहा है, कल को कोई बुक पढ़नी है या कुछ आपको देख रहे हैं और वो स्केलर में नहीं करता, वेक्टर में करता है, आपको पढ़ना तो आना चाहिए कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। उसी तरीके से जैसे पॉइंट चेंज करते हैं, बी पॉइंट की बात करते हैं, अब बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट की अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है वेक्टर फॉर्म में, वी बी और दिस इज वी बी, तो देखो बी पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, वी ऑफ बी वेक्टर विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, वी आई कैप, वो तो ऐसे ही रहेगा, अब क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहे तो बी पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी आर ओमेगा कहां पर है, राइट, राइट का मतलब क्या आएगा, आई कैप, कोई डाउट इसमें, आंसर। अब क्योंकि आपको पता है आई कॉमन आ गया तो वी प्लस आर ओमेगा, पर रोलिंग में वी तो आर ओमेगा के इक्वल है, तो इक्वल है तो टू टाइम्स v i cap, 2v velocity आएगी, क्लियर है यहां तक, बात तो वही है जैसे हम नॉर्मली करते आए हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका देख रहे हो कि कैसे रिप्रेजेंट किया इसे, तो मुश्किल नहीं है क्योंकि हमने थ्योरी में कॉन्सेप्ट अच्छा किया हुआ है, तो इसको कैच करना आपके लिए इजी है, ठीक है यहां तक। अब सपोज करो पॉइंट चेंज करते हैं, अब पॉइंट लेते हैं c, ये c पॉइंट है, तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में तो कोई फर्क है ही नहीं, सी पॉइंट टेंजेंशियल वेलोसिटी कहां लगाएगा, आर ओमेगा, नीचे, नीचे का मतलब क्या आएगा, माइनस जे कैप, नीचे का मतलब माइनस जे कैप, ऊपर का मतलब जे कैप, राइट, तो ये वैल्यू क्या आएगी, वी आई कैप माइनस आर ओमेगा जे कैप, और अगर मैं सी का मैग्नीट्यूड पूछूं तो आई के कोफिशियंट का स्क्वायर एंड जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, वो अलग बात है कि रोलिंग में v r ओमेगा के इक्वल है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2v, कोई डाउट इसमें, आंसर। तो ये चीज ऑलरेडी हमने की हुई है, लेकिन किसी और तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट हमें आइडिया में क्या करना है, कोई डाउट इसमें, ठीक। लेकिन अब जो मैं करवाने जा रहा हूं ये वाला टॉपिक, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये मैंने आपको नहीं करवाया। देखो मैंने जितने भी एंगुलर मोमेंटम की प्रॉब्लम्स आपको करवाई या आपने जितनी भी की, नोट करो और याद करके देखो, मैं कहता था डिस्क घूम रही है, आपने बोला आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम, मैंने बोला कि चलो स्फीयर घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, आई ओमेगा, है ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा एक बुलेट आ रही है एम वी, वो रॉड को हिट करती है, एम वी आर, एम वी आर, दो ही चीजें लगाई। मैंने आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं करवाई जिसमें डिस्क का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में है और रोटेशन में भी है, या डिस्क रोल करती हुई जा रही है, और फाइंड एंगुलर मोमेंटम एक भी नहीं क्वेश्चन किया। अपने एक्सिस पे कोई चीज घूम रही है उसका तो आपको एल निकालना आता है, लेकिन रोलिंग के केस में आपको एल निकालना नहीं आता, ठीक है।
दे लो आंसर, ये लो सपोज, देखे देख लो, ट्राई करके देख लो, शायद आंसर आए। सपोज दिस इज अ स्फीयर, देख लेते हैं, एक स्फीयर, स्फीयर रोटेट कर रहा है विद ओमेगा नॉट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, स्फीयर मूव कर रहा है विद वी सेंटर ऑफ मास। क्वेश्चन है कि आप इसका मुझे एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताओ अबाउट पॉइंट सी, एंगुलर मोमेंटम निकाल के बताओ एट पॉइंट ए। अगर मैं ये पूछता हूँ कि एक रॉड अपने एक्सिस पे घूम रही है बस खड़ी खड़ी इस तरीके से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आप दे पाओगे, आई नॉट इन टू ओमेगा, सिंपल है ना। तो मतलब जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें से ही आंसर दोगे ना, उसके बाहर कैसे आंसर दोगे, तो वो आपके नॉलेज बैंक में है नहीं ऐसा कुछ। तो इसका आंसर मैं देने जा रहा हूँ, देखो एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, मैंने कहा Not passing through center of mass, जैसे एक बॉडी रोटेट कर रही है विद ओमेगा, उसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है विद वी सेंटर ऑफ मास, मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है अबाउट एक्सिस, सेंटर ऑफ मास नहीं लेने को कहा, उसने अबाउट एक्सिस ओ ले लिया, कहता है इसको एक्सिस मानो, चाहे पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट ओ मान लो, जो बॉडी के अंदर नहीं है बाहर है, इसके अबाउट बताओ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया उसने। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, अगर आपको इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम एल निकालना है तो आपने क्या करना है, एक एल आपने निकालना है किसका, बॉडी का, ये मानते हुए कि एक्सिस कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक, एक, और दूसरा आपने निकालना है कि सेंटर ऑफ मास लीनियर ट्रांसलेशन मोशन में है, तो इसकी वजह से भी एंगुलर मोमेंटम होगा कितना, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम एम इंटू वी, R क्रॉस P भी बोलते हैं इसको, MVR भी बोलते हैं, MVR आप अगर लिखना चाहें इसके ऊपर लिख सकते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ रोटेशन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन, इसके ऊपर लिखें रोटेशन, इसके ऊपर लिखें ट्रांसलेशन। मैं समझाता हूँ ये क्या है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ऐसे समझना आपके लिए मुश्किल है, ठीक। देखो एग्जांपल से समझ में आएगा, देखो सपोज करो ये आपके पास एक कोई बॉडी है, मेरा एग्जांपल समझो, उस फॉर्मूले को लगाना सिखा रहा हूं, मेरा एग्जांपल ये है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये बॉडी खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है विद ओमेगा नॉट, एक्सिस क्या है इसका, सेंटर ऑफ मास, बॉडी का मोमेंट इनर्शिया कितना है, आई नॉट, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और किसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, सेंटर ऑफ मास के, राइट, तो आंसर बोलो क्या होगा, आप बोलेंगे आई नॉट इनटू ओमेगा नॉट, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आपने क्या निकाला, एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास, यहां तक क्लियर है। मैंने अपना क्वेश्चन अब चेंज किया, मैंने ये कहा कि ये बॉडी अब मूव कर रही है विद वी सेंटर ऑफ मास, तो मैंने अब पूछा कि बताओ सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आपने बोला ये तो अभी भी होगा, ये तो अभी भी होगा, तो मैंने कहा फिर एम वी, क्योंकि इसका लीनियर मोमेंटम एम वी है और एम वी खुद एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो फिर एम वी आर का फॉर्मूला इसमें नहीं चलेगा क्योंकि एम वी
लीनियर मोमेंटम खुद एक्सिस पे काम कर रहा है, तो एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है? जीरो, तो इसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक, चलो मैंने कहा एक काम करते हैं, एक्सिस नॉट पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास कर, जैसे टॉपिक में गिवन है, तो एक्सिस ये ले ले, मैंने कहा ये ले, ए पॉइंट है। अब बता एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का तो तुझे पता लग गया, एंगुलर मोमेंटम ए पॉइंट के अबाउट क्या होगा? अब आपने कहा कि हाँ मुझे सिखाया है क्या कि अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास से नहीं पास करता, नहीं पास करता, कहीं और से पास करता है एक्सिस, तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा? एल सेंटर ऑफ मास का तो लगेगा ही लगेगा, ये तो लगेगा लगेगा, साथ में ट्रांसलेशन का भी लगेगा। बताओ ये सेंटर ऑफ मास कितने मोमेंटम के साथ जा रहा है? एमवी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है? तो यहां पर क्या ऐड हो जाएगा? एमवी आर, एमवी आर ये तब ऐड होगा जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास नहीं होगा, और अगर एक्सिस सेंटर ऑफ मास होगा तो फिर ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, और ये तो एज इट इज जो है वो तो रहेगा रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं, कोई डाउट इसमें? तो फाइनल आंसर पता है क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा आई नॉट इनटू ओमेगा नॉट प्लस एम वी आर, तो ये फाइनल आंसर आएगा। मतलब दोनों इफेक्ट आएंगे, रोटेशन एज वेल एज ट्रांसलेशन, कोई डाउट इसमें? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दूसरे बैच ने, एक स्टूडेंट ने पूछा और बहुत सही पूछा उसने, वो बोलता कि जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप एक्सिस क्या ले रहे हो? सेंटर ऑफ मास, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो फिर एक्सिस क्या ले रहे हो? ए पॉइंट, तो फिर ये कैसे हो गया? आधे में एक्सिस कुछ और आधे में कुछ, यही तो कमाल की बात है कि ओवरऑल जो एंगुलर मोमेंटम ए का आएगा वो ये तो रहेगा रहेगा, जो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन ना कर रही होती तो एक्सिस सेंटर ऑफ मास रहता, लेकिन इसकी वजह से अफेक्ट एमवीआर इसमें और ऐड हो जाएगा। यही लेना है तो इसका जो एक्सिस लेना है वो सेंटर ऑफ मास लेना है, ओनली प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, और इसका लीनियर मोमेंटम की वजह से आर क्रॉस पी का जो अफेक्ट आएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है यहां तक? मैं इसको लगा के दिखाता हूं एक प्रॉब्लम में, फिर आपको बात समझ में आएगी मैंने क्या बताया। अब रियल टाइम प्रॉब्लम है ये, तुमने मन से प्रॉब्लम बनाई है, तो इसी पेज में सेम क्वेश्चन मैंने फिर से करके दिखाया। एक बॉडी को आपने v नॉट बाई आर ओमेगा से, ये रहा ओमेगा नहीं, टू ओमेगा है ये, करेक्शन करो, आर ओमेगा की जगह टू ओमेगा है। सेम प्रॉब्लम है जो अभी हमने की थी, एक बॉडी को आपने ओमेगा नॉट इज v नॉट बाई टू ओमेगा से आपने इसको, ये इनिशियल सिचुएशन है, और फाइनली क्या होता है? फाइनली ओमेगा हो जाता है और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v नॉट से v सेंटर ऑफ मास हो जाती है और ये प्योर रोलिंग में आ जाता है। क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेम प्रॉब्लम है वो जो अभी थोड़ी देर पहले की थी हमने, अभी केस किया था, दो बड़ी बड़ी क्वेश्चन बनाई थी ट्रांसलेशन रोटेशन, लेकिन इसके अंदर दो लाइन में काम खत्म करते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आ जाए कि बॉडी पहले रोलिंग विद स्लाइडिंग थी, स्लाइड कर रही थी, और फिर किस में आ गई? प्योर रोलिंग में आ गई, तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, जैसे एक क्यूब आ रहा था, क्यूब का सेंटर ऑफ मास वाज मूविंग विद वी सेंटर ऑफ मास, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो h, या नेल आ गई थी, इसके अबाउट क्या थी? रोटेशन। तो याद करो इसमें ओमेगा तो है ही नहीं, तो इसके अंदर हम क्या लगाते थे? एम वी एच, एम वी एच इज आई टाइम्स ओमेगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम सेम, तो हम ये रूल लगाते थे, और हमने एक रूल सीखा भी था कि कोई भी बॉडी स्लाइड करती हुई आए और एकदम प्योर रोलिंग में आ जाए तो सिंपली एम वी आर इज इक्वल टू आई ओमेगा लगा देंगे, बात खत्म। याद है ये रूल, और शायद टेस्ट के अंदर भी ऐसा कुछ एक क्वेश्चन आया भी था, तो जो लोग रिवाइज करके आए थे उनको जरूर फायदा हुआ होगा उस क्वेश्चन के साथ। और मजे की बात है इस साल मेंस के अंदर भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसीलिए इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, मैंने आपको पहले ही बताया। फिर देखो, और नीट में भी आया हुआ है इस साल में, तो कॉमन, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सेम सिचुएशन इसके साथ हो रही है। इसमें भी तो स्फेयर क्या कर रहा था पहले? स्लाइड, और फिर क्या हो गई इसकी? रोलिंग। तो इसमें भी तो लग सकता था इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल। अब क्यूब की जगह अगर वो स्फेयर स्लाइड करता हुआ आएगा तो भी तो रूल सेम है, लगाते हैं इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, बस फर्क एक है, जब क्यूब मूव कर रहा था ना उसमें रोटेशन का इफेक्ट बिल्कुल ही जीरो था, वो तो बेचारा सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था,
तो इसलिए आई ओमेगा का कॉन्सेप्ट यहां लगा नहीं था, सिर्फ एमवीआर लग गया था। इसमें ये फर्क है, ये स्लाइड भी कर रहा है और थोड़ा थोड़ा रोटेट भी कर, प्योर नहीं कर रहा, कुछ तो कर रहा है। और आज हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर मान लो, और हाँ, नेल कहां पे थी, यहां पे थी, प्योर रोटेशन का एक्सिस क्या था, यही था, इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट तो एक ही है, ये रहा, इसके अबाउट यही एक्सिस बनेगा इसका, मतलब यही सोचो कि इसके अबाउट के कॉन्टैक्ट में ग्राउंड के साथ, और एकदम क्या स्टार्ट हो गई, रोटेशन। तो इस केस में ए पॉइंट के अबाउट आप लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ए पॉइंट को एक्सिस मानते हुए बताओ इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। एक तो रोटेशन का अफेक्ट तो होगा ही होगा, कितना, आई इंटू ओमेगा नॉट, पर जब हम आई इंटू ओमेगा लगाएंगे तो एक्सिस क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ मास। तभी जान के लिखा आई ओमेगा में एक्सिस क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ मास, अभी किया। और दूसरा एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास की वजह से कितना, एम वी नॉट इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर, एम वी नॉट आर। आज का टॉपिक काम आ गया, तभी करवाया था इस क्वेश्चन के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अच्छा, फाइनली सिचुएशन चेंज हो गई, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई, प्योर रोलिंग में ओमेगा नॉट की जगह ओमेगा, तो बोलो एंगुलर मोमेंटम कितना, I into omega, पर एक्सिस क्या लेंगे, सेंटर ऑफ मास, I omega में एक्सिस सेंटर ऑफ मास, और नेक्स्ट m v into r, तो वेलोसिटी v नॉट से क्या होगी, v सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट इसमें, क्लियर यहां तक? ठीक, अब इसमें I सेंटर ऑफ मास क्या है, 2/5 mr square सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इनिशियल omega नॉट क्वेश्चन में गिवन था v नॉट by 2r, यहां पर आई सेम रहेगा 2/5 एम आर स्क्वायर, लेकिन फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा, वी सेंटर ऑफ मास बाय आर, क्योंकि प्योर रोलिंग में वी सेंटर ऑफ मास इक्वल टू आर टाइम्स ओमेगा। सॉल्व करो, दो लाइन में वही आंसर आएगा जो आपने पिछला एक पेज में निकाला था, ये देखो तीन लाइन में खत्म हो गया, ये ज्यादा बेटर है। तो आज के बाद स्लाइडिंग एकदम जब रोलिंग बन जाती है तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये बढ़िया मेथड है। कोई डाउट इसमें?